नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, सूक्त का लेसन नंबर 9 पढ़ रहे हैं और भाग 8 पढ़ेंगे। तो आइए साथियों पढ़ते हैं, अंतिम श्लोक है। आचार्य पर प्रथमो धर्म इति एतत् विदुषां वचः है, तस्मात् रक्षित सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। आचार्य प्रथमो धर्म इति एतत् विदुषां वचः है, तस्मात् रक्षित सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। अब साथियों, इसका हम जो श्लोक है इसमें प्रत्येक शब्द के बारे में जानते हैं कि आचार्य में आचरण व्यवहार प्रथम धर्म है। यहाँ पर उप विसर्ग संधि है तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रथम और धन धर्म है। ये कौन सी संधि है? उत्व विसर्ग संधि है, उत्व विसर्ग संधि है, ठीक है। और यहां पर जो धर्म है ये है साथियों विशेष से, और प्रथम है ये है विशेषण। धर्म विशेष से है और प्रथम विशेषण है और धर्म विशेष से है। नेक्स्ट है ये इति एतत्, यहां पर इति धन एतत् यण संधि है, यण संधि, यण संधि। विदुषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है विदुषाम, विद्वानों का। वचे मीन्स वाणी, तस्मात में पंचमी विभक्ति एकवचन है, लेकिन इस श्लोक में तस्मात का अर्थ होता है साथियों इसलिए। तस्मात का मतलब होता है इसलिए, इसमें पंचमी विभक्ति एकवचन है, लेकिन इस श्लोक में यहां पर इसका अर्थ होगा इसलिए, ठीक है। रक्षित, रक्षित में रक्ष धातु है और विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन है, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन है, एकवचन। नेक्स्ट है प्राणेभ्यो अपि, तो यहां पर भी साथियों उत्तर विसर्ग संधि है तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे प्राणेभ्यो, संधि विच्छेद करेंगे साथियों प्राणे, प्राणे भे धन अपि, यहां पर भी उत्व विसर्ग संधि है, उत्व विसर्ग संधि है साथियों। और जो अपि है ये अव्यय है, अपि अव्यय है, विशेषत है विशेष रूप से, विशेषत है विशेष रूप से। अब हम इसका अनुवाद देखते हैं, क्या आचरण ही प्रथम धर्म है, आचरण ही प्रथम धर्म है। इति एतत्, ये इसका संधि विच्छेद हुआ, इति का मतलब इस प्रकार, एतत् का मतलब ये है, विदुषां वचः है विद्वानों की वाणी है, इस प्रकार ये विद्वानों की वाणी है। विद्वानों की वाणी क्या है? आचरण ही प्रथम धर्म है। आचरण क्या होता है साथियों? आचरण होता है व्यवहार, आचरण होता है व्यवहार। तो कहते हैं विद्वान कि आचरण ही प्रथम धर्म है, इस प्रकार ये विदुषां विद्वानों की वचन है, वाणी है। तो कहा जाता है कि इति एतत्, इस प्रकार ये केषां वचः, किसकी वाणी है, ऐसा प्रश्न हो सकता है कि केषां वचः किसकी वाणी है, तो हमारा आंसर होगा विदुषां वचः है, विद्वानों की वाणी है, ठीक है। तस्मात इसलिए, प्राणेभ्ये अपि प्राणों से भी, विशेषत विशेष रूप से, सदाचारम सदाचार की रक्षित रक्षा करनी चाहिए, इसलिए विशेष रूप से प्राणों से भी सदाचार की रक्षा करना चाहिए। अब सदाचार में भी संधि है साथियों, सदाचार में क्या संधि है? सत धन आचार, सत धन आचार, ये सदाचार की संधि है, सत धन आचार है और ये सदाचार है साथी, संधि विच्छेद हुई, सत धन आचार है, इसमें संधि है जस्त्व संधि, जस्त्व संधि जो व्यंजन संधि का एक पार्ट है, ठीक है साथी। अब देखिए इसका अनुवाद हमने किया कि आचरण ही प्रथम धर्म है, इस प्रकार ये विद्वानों की वाणी है, इसलिए विशेष रूप से प्राणों से भी सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। अब यहां पर हम ऑर्डर में देखते हैं कि आचार्य प्रथम धर्म है, संधि विच्छेद करके लिखा है यहां पर प्रथम और धर्म, धर्म विशेष्य है, प्रथम यहां पर विशेषण है,
तो आचरण ही प्रथम धर्म है। इति इस प्रकार एतत् यह विदुषां वचे विद्वानों की वाणी है, तस्मात् इसलिए प्राणेभ्य अपि प्राणों से भी सदाचारम सदाचार की विशेष से विशेष रूप से रक्षित रक्षा करनी चाहिए। रक्षित वह रक्ष धातु है और विधि लिंगकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अब यहां पर देखते हैं साथियों कि जो यह रक्षित है, रक्षित क्या है, क्रिया है, विधि लिंगकार है और प्रथम पुरुष एक वचन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जैसे विदुषां, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा साथियों, मूर्खाणां। विदुषां का मतलब होता है विद्वानों का, विद्वानों की या विद्वानों की, क्योंकि षष्ठी विभक्ति जो होती है उसमें संबंध कारक होता है और संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, का के की। इसी प्रकार से हम इसका अर्थ करेंगे विद्वानों का, विद्वानों की, विद्वानों की। तो यहां पर होगा विद्वानों की वाणी, विद्वानों की वाणी। का के की किसके साथ अनुसार लगाते हैं, काकी की लगाते हैं कि जो भी विभक्ति होती है उसके बाद में जो शब्द होता है उसके अनुसार हम काकी का यूज करते हैं। जैसे यहां पर वचनिष्ठ वाणी, तो विद्वानों की वाणी, वाणी के अनुसार यहां पर की का प्रयोग किया है। ठीक है, अब दोस्तों हम प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न है प्रथमे धर्मे के पहला प्रश्न है प्रथमे धर्मे के पहला धर्म कौन सा होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा साथियों आचार्य। प्रथमे धर्मे के आचार्य, ये पहला हमारा प्रश्न हुआ। और नेक्स्ट प्रश्न है इति, देखो आचार्य प्रथमे धर्मे इति एतत् केषां वचे, ये प्रश्न है कि आचरण ही प्रथम धर्म है, इस प्रकार ये किन की वाणी है, किन का वचन है, तो केषां के स्थान पर हम आंसर क्या लिखेंगे, विदुषां, विद्वानों की वाणी है, तो हमारा उत्तर क्या होगा साथियों, विदुषां। इस प्रकार से विदुषां लिखेंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे कि आचरण ही प्रथम धर्म है, इस प्रकार यह विद्वानों की वाणी है, यहां पर केषां किन की वाणी है, तो यहां पर लिखा हुआ साथियों विद्वानों की वाणी है, हमारा उत्तर होगा विदुषां वचन। प्राणेभ्य अपि विशेषते कम रक्षित, प्राणेभ्य अपि विशेषते कम रक्षित, कम रक्षित, प्राणों से भी विशेष रूप से किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो उत्तर होगा साथियों प्राणेभ्य अपि विशेषते, प्राणेभ्य अपि विशेषते सदाचारम रक्षित, यहां पर उत्तर होगा हमारा सदाचारम रक्षित, प्राणों से भी विशेष रूप से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। विदुषां वचे किम अस्ति, विदुषां वचे किम अस्ति, नेक्स्ट प्रश्न, विदुषां वचे है किम अस्ति, विद्वानों की वाणी क्या है, विद्वानों की वाणी क्या है, तो साथियों इसका उत्तर बहुत इजी है, आचार्य प्रथमो धर्म इति एतत् विदुषां वचे है, तो हमारा उत्तर होगा आचार्य है प्रथमे धर्म है इति एतद् विदुषां वचे है, आचरण ही प्रथम धर्म है, इस प्रकार यह विद्वानों की वाणी है, इस प्रकार ये विद्वानों की वाणी है।
इस प्रकार से दोस्तों हम प्रश्न और उत्तर हम करते हैं। अब इसलिए प्राणेभ्य अपि विशेषते सदाचारम रक्षे, सदाचार की रक्षा कैसे करनी चाहिए, प्राणेभ्य अपि प्राणों से भी प्रिय मानकर। और नेक्स्ट प्रश्न है प्राणेभ्य अपि विशेषते सदाचारम किमर्थम रक्षे, प्राणों से भी विशेष रूप से सदाचार की किस लिए रक्षा करनी चाहिए, क्या कारण है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं साथियों। प्राणेभ्य अपि विशेषते सदाचारम किमर्थम रक्षे, प्राणेभ्य अपि विशेषते सदाचारम किमर्थम रक्षित, किमर्थम रक्षित। तो हमारा उत्तर होगा क्या होगा, प्राणेभ्य अपि विशेषते सदाचारम रक्षित। देखिए प्राणेभ्य अपि विशेषते सदाचारम रक्षित यतो हि, क्योंकि, यतो हि क्योंकि सदाचार एव अस्माकं प्रथमः धर्मः, सदाचार एव अस्माकं प्रथमः धर्मः अस्ति, क्योंकि सदाचार ही हमारा प्रथम धर्म है, क्योंकि सदाचार ही हमारा प्रथम धर्म है। इस प्रकार से हमें सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।